अब हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, अर्थात जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, तो किस कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, कितने प्रेरित विद्युत धारा कितनी प्रेरित होती है और आवेश कितना प्रेरित होता है। तो तीन पॉइंट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो हेडिंग होगी प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा तथा प्रेरित विद्युत आवेश। तो अब हम मान लेते हैं कि n फेरों वाली एक कुंडली है और उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी है। प्रत्येक फेरे से, हर एक फेरे से जो फ्लक्स परिवर्तन है वो डेल्टा फाई है और ये जो परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में वो डेल्टा टी समय में हो रहा है। तो डेल्टा फ्लक्स परिवर्तन की दर को कहा जाएगा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तो फैराडे का फर्स्ट नियम लगा देंगे। तो फैराडे के फर्स्ट नियम से ई बराबर हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी एक फेरे से था, यहाँ कुंडली में एन फेरे हैं तो यहाँ पर एन और जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये फैराडे के पहले नियम से जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ पर अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दें तो यहाँ डी फाई को, डेल्टा फाई को डी फाई डेल्टा टी, ये पहले भी पता चुके हैं 11th क्लास में। तो ई बराबर आ जाता है माइनस एन डी फाई बटे डी टी। तो ये होता है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला। अब धारा निकाली जाए तो धारा तभी बहेगी जब कुंडली को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक विद्युत वाहक बल ही उसमें होगा, धारा नहीं बहेगी। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे उसमें धारा बहने लगेगी, प्रेरित धारा। तो धारा अब उसका अगर पूरे कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो आई बराबर हम लोग पहले ओम के नियम में पढ़े थे वी बटे आर, यानी विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध हो जाएगा। तो सिंपल सा यही लिख देंगे यहाँ पर कि यदि कुंडली का विद्युत प्रतिरोध आर हो तो प्रेरित धारा आई बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे विद्युत प्रतिरोध। तो ई बटे आर का फार्मूला लगा देते हैं, ई यहाँ से उठा के रख दीजिए, चाहिए वाला लिख दीजिए, चाहिए वाला लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए, तो वही फार्मूला बन जाएगा एन अपान आर एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी अब इंटू आर नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा प्रेरित धारा का फार्मूला हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है लेकिन गौर से देखना है ढंग से। अब हम लोग प्रेरित आवेश निकाले तो प्रेरित आवेश क्यू बराबर होता है इंटू टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी लिखा जाएगा क्योंकि वो प्रेरित आवेश डेल्टा टी समय में देखना है। तो प्रेरित आवेश क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू डेल्टा टी लिख देंगे। अब आई का मान यहां से लिख दो यहां पर उठा के, तो माइनस एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी हो जाएगा इंटू आर, ये रहेगा ही इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी कट गए तो ये डेल्टा टी कट जाने पर यह आ जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई बटे आर। एन को हम अंदर कर लें, अगर इसको फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बना लें तो आ जाएगा माइनस डेल्टा एन फाई बटे आर। अब ये ऋण चिन्ह जो आ रहा है तो ये याद रखना है, वही शो करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा जिसके कारण बहती है वह फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का, इसलिए ऋण चिन्ह आ रहा है। अब यहां पर डेल्टा टी है ही नहीं, तो डेल्टा टी ना होने का मतलब है कि जो प्रेरित आवेश है वह केवल फ्लक्स परिवर्तन पर डिपेंड करता है, ना कि समय पर। फ्लक्स का परिवर्तन चाहे जल्दी से कर लिया जाए एकदम से, और चाहे धीरे धीरे और धीरे धीरे उतना ही फ्लक्स परिवर्तित किया जाए, प्रेरित आवेश हमेशा समान होगा। तो ये याद रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो किसी कुंडली से या किसी परिपथ में जो प्रेरित आवेश होता है वो समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता, केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस कुंडली या उस परिपथ से कितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हुआ है। तो ये है प्रेरित आवेश क्यू। अब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को भी समझना है, मैंने शायद किस टॉपिक में बताया होगा लेकिन नहीं बताया होगा तो याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कई प्रकार बताए गए थे। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में यह था कि कुंडली को एकदम अचानक चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, या चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को अचानक हटा लो। अब मान लो पहले कुंडली बाहर थी, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं थी, तब फ्लक्स कितना हुआ उसका जीरो, तो फाइव वन जीरो लिख लेंगे। फिर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तुमने रख दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब रख दोगे तो फाइव टू बराबर निकाल लोगे, तो फाइव टू बराबर वही जो भी होगा एन फाइव या जो भी निकलेगा तो फाइव टू हो जाएगा, वो बी इंटू ए करके फाई टू निकाल लोगे। फिर फ्लक्स परिवर्तन निकालना है तो डेल्टा फाई बराबर लिखोगे फाई टू माइनस फाई वन, हमेशा फाई टू माइनस फाई वन लिखना, बाद का चुंबकीय फ्लक्स पहले माइनस पहले का चुंबकीय फ्लक्स बाद में। तो यहां पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे, कुंडली को बाहर से चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो
फाइव टू माइनस फाइव वन में फाइव टू होगा, फाइव वन जीरो होगा। और अगर पहले रखी है चुंबकीय क्षेत्र में और एकदम अचानक हटा लें तो उसमें फिर फाइव टू जीरो हो जाएगा, फाइव वन कुछ होगा। तो इस तरह से फ्लक्स परिवर्तन को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत आवेश।